विश्व आदिवासी दिवस पर अनेक आदिवासी संगठनों ने प्रदेश भर में रैली निकाली। इस दौरान आदिवासी लोगों ने अपना पारंपरिक नृत्य किया। देखिए इस रिपोर्ट में। विश्व आदिवासी दिवस पर मध्य प्रदेश आदिवासी रंग में रंगा हुआ नजर आया। हर जगह आदिवासी समुदाय के लोग अपने पारंपरिक कपड़े पहनकर आदिवासी नृत्य करते हुए नजर आए। आदिवासी अंचल झाबुआ में विशाल सभा का आयोजन किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में स्थानीय कलाकारों एवं स्कूली बच्चों ने शानदार नृत्य किया। बारिश के बावजूद भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया आदिवासी वेशभूषा में नजर आए। वहीं सिवनी में विधायक योगेंद्र बाबा और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में आदिवासी दिवस मनाया गया। इस दौरान आदिवासियों ने बदलते दौर के साथ खुद को जागरूक करने का संकल्प लिया। समाज श्रीवास्तव समाज के बारे में जानता हूँ तो उनका ये कहना है कि हम लोग दिवाली के दिन सरस्वती की पूजा करते हैं और पेन की पूजा करते हैं, कागज की पूजा करते हैं। तो ये यदि हम इसी तरह की भावनाएं लेकर चलेंगे, कलम की पूजा करो, सरस्वती की पूजा करो और शिक्षा को अपनाओ, शिक्षा ही हमारे जीवन में उद्धार करेगी। शिक्षा स्वर्ग का द्वार है, द्वार है। आज एक और बात कहना चाहता हूँ, सुपर 30 एक पिक्चर आई है, हर आदिवासी को देखना होगा और उससे सीखो उस तरह से उन्होंने हर। वहीं आदिवासी समाज द्वारा नसरुल्लागंज में रैली निकाली गई। आदिवासियों द्वारा यह रैली महक गार्डन से निकलकर सीहोर नाका दुर्गा मंदिर चौराहे होते हुए पुनः गार्डन पहुंची। शोभा यात्रा में आदिवासी समाज के पदाधिकारी और अन्य लोग ढोलक और मांदल की थाप पर जमकर झूमे। कुल मिलाकर आदिवासी दिवस पर पूरा एमपी आदिवासी रंग में रंगा नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।